नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूज़ 9 से अंकित बोल रहा हूँ और हम इंदौर की सबसे मशहूर लोकेशन पे आए हैं जो खाने के लिए बहुत फेमस है। हम्टी डम्टी आइसक्रीम पार्लर पे हैं हम और ये शॉप नंबर 1 है 56 दुकान की। और हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे लोकसभा चुनाव से रिलेटेड। सर, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में आप किसको प्रेफर करेंगे, कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? सर, कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी हो, चुनाव तो होंगे और चुनाव में हमको जो वोट देना है उसी को देंगे जो काम करेगी। तो पिछले 5 साल से हम जब भी देख रहे हैं, खूब काम हुआ इंदौर में, तो क्योंकि मैं इंदौर का ही निवासी हूँ तो मैं इंदौर में ही काम देख सकता हूँ। खूब काम हुआ है, चाहे सड़कें हों, चाहे सफाइयाँ हों, या चाहे कुछ बिजनेस को लेकर हो, या रोड हो, या आर्थिक नीतियाँ भी हुई हैं, सब में इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मोदी जी को ही वोट देते हैं, आगे मोदी जी को ही वोट दें, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। उनके शासनकाल में आतंकवादी गतिविधियाँ में हमने बहुत कम देखी हैं, हमने बहुत कम देखा ऐसा कि हमने कहीं से लोन लेना पड़ रहा है। हमारे जो संबंध हैं विदेशों से भी अच्छे हो रहे हैं, देश में भी आंतरिक सुरक्षा भी है, आतंकवादी गतिविधियाँ भी कम हैं। तो मैं तो उन्हीं को वोट दूंगा और लोगों से अपील भी यही करूंगा कि उसी पार्टी को वोट दें जो देश के साथ है और जो विकास के साथ है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, है ना, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और क्यों करेंगे? अभी तो ऐसा सच कुछ डिसाइडेड नहीं है, जब तक कि दोनों पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, बट मोस्टली हम लोग बीजेपी के सपोर्ट में। बीजेपी के सपोर्ट जी? क्यों, क्या करा ऐसा बीजेपी ने, क्या करा है? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनको ही कंटिन्यू करेंगे, क्यों करेंगे? पहली बात तो कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कोई लीडर ही नहीं है दूसरी पार्टियों के पास में, महागठबंधन का कोई फ्यूचर नहीं है, पहला रीज़न तो है। दूसरी बात कि जो नरेंद्र मोदी की जो अकेली गवर्नमेंट थी बीजेपी की सेंटर में, वो बहुत पावरफुल गवर्नमेंट थी, तो हम चाहते हैं कि किसी की भी गवर्नमेंट बने लेकिन वो एकमात्र पार्टी होनी चाहिए सेंटर में। और मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, जैसे नोटबंदी करा है, सर्जिकल स्ट्राइक करा है, है ना, तो आप क्या चाहते हैं, मतलब ऐसा ही लीडर चाहिए देश को कि और मतलब और कोई अल्टरनेट है उनका? जैसा मैंने अभी बोला कि अल्टरनेट तो है ही नहीं मोदी जी का फिलहाल कोई भी नहीं, बट हाँ कि ये कि कोई सी पार्टी सेंटर में वो सिंगल अपोजिशन होना चाहिए ताकि। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से सांसद को देख के वोट देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को देख के वोट नहीं देना चाहिए। ऐसा है कि सांसदों ने क्या काम करा है अपने एरिया में वो ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी एक चेहरा है, इस बार पिछली बार 2014 में जो सरकार आई नरेंद्र मोदी के कारण ही आई, पर सांसदों ने भी काम नहीं किया है बहुत सारे। अभी 50 से ज़्यादा सांसदों के टिकट कटने वाले इस बार, तो मेरे एरिया में तो मैं सांसद को देख के ही वोट दूंगा। अच्छा, लेकिन अगर अपन चेहरा देखें तो चेहरे से भी तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा कि मोदी जी ही, मतलब आप किसी जैसे कोई लीडर नहीं है मोदी जी के साथ, हमने तो कोई लीडर नहीं है, पर सांसदों ने अपने एरिया में काम भी तो करना ज़रूरी है ना, वो उनका कर्तव्य है कि नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है? मोदी जी आपको क्या लगता है? मोदी जी। चल, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और क्यों? भाजपा। क्यों? उसमें मोदी जी हैं। मोदी जी ने अभी 5 साल प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने ऐसा क्या काम करा कि आप उनको ही सपोर्ट करेंगे? उन्होंने ऐसा क्या काम नहीं किया जिससे आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, बताइए ना। हम आपसे जानना चाहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की बहुत इमेज सुधारी है, पहले इंडिया बहुत ही ऐसा लो कास्ट और ऐसा पीछे वर्ग का सब मानते थे, बाकी मोदी जी के आने के बाद इंडिया की इमेज काफ़ी सुधरी है और काफ़ी आर्मी को भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं मोदी जी, और जैसा कांग्रेस में देखते हो उसको आर्मी का बिल्कुल इज्जत नहीं करते, वैसा सोल्जर्स के लिए अपनी तरह रहना। ओवरऑल इंडिया में बहुत डेवलपमेंट करी है मोदी जी ने डेवलपमेंट करी है, और सामने कांग्रेस पार्टी है, उनके प्रेसिडेंट है राहुल गांधी जी, उनको एज ए PM प्रोजेक्ट करती है पार्टी है। आप क्या बोलते हैं उसके बारे में, क्या सोचते हैं उनके बारे में? अब हम क्या बोले, वो तो दुनिया जानती है कि क्या बोलना क्या सोचना है, हम क्या बात करेंगे उसके बारे में। और एक थर्ड फ्रंट है अपना महागठबंधन, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? मैं तो क्या बोलूँ, मुझे आइडिया नहीं जाना। नहीं बात, महागठबंधन के बारे में क्या बोलोगे? जब दो बड़ी पार्टीज हैं अपने ग्राउंड में तो कोई थर्ड पार्टी इतनी पावर नहीं रखती है कि ऐसे टिक पाएगी, फिर भी मेनली जीत उन्हीं की होगी जिन्होंने अभी तक कुछ ना कुछ करके दिखाया। आप खुद सोच के देखिए, जिनने काम किया उन्हीं का होगा ना। लोग अब पागल नहीं है, पहले होता था सब, अब लोग समझते हैं कि किसका सपोर्ट करना है। थैंक यू।